टी20 विश्व कप में अपनी बल्लेबाजी से कमाल करने वाले विराट कोहली गुरुवार को कैंची धाम पहुंचे और उन्होंने नीम करौली बाबा से आशीर्वाद लिया। इस दौरान विराट अपने फैंस के बीच भी नजर आए। इस बीच का एक वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। दरअसल विराट फैंस के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तभी एक युवक सेल्फी लेने लगा, जिसके बाद विराट ने खुद सेल्फी के लिए उसके हाथ से फोन ले लिया। इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और उत्तराखंड के लोग उसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। विराट कोहली बुधवार को घोड़ाखाल पहुंचने के बाद गुरुवार को कैंची धाम दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने नीम करौली बाबा के धाम में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इस दौरान जब उन्हें पता चला कि कुछ ही देर में यहां आरती होने वाली है, तो विराट ने बड़े ही हर्ष के साथ आरती तक रुकने का फैसला भी किया। विराट और अनुष्का ने फिर आरती भी की। इसके अलावा उन्होंने कैंची धाम का भ्रमण भी किया। विराट कोहली ने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ नीम करौली बाबा का आशीर्वाद लिया। विराट के कैंची धाम पहुंचने को पत्नी अनुष्का द्वारा शेयर की गई एक फोटो से भी जोड़ा जा रहा है। दरअसल एशिया कप से पहले विराट कोहली का फॉर्म खास नहीं चल रहा था। विराट पिछले 2-3 सालों से शतक नहीं लगा सके थे, ऐसे में उन पर सवाल भी खड़े हो रहे थे। बीच में उनकी कप्तानी भी चली गई थी, टीम में बने रहने पर भी सवाल खड़े होने लगे थे। मगर विराट ने एशिया कप से अपनी फॉर्म वापस पाई। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने टी20 करियर का पहला शतक जड़ा था। विराट के शतक के बाद अनुष्का ने अपने इंस्टाग्राम पर नीम करौली बाबा की तस्वीर शेयर की थी, जिसमें नीम करौली बाबा की तस्वीर के साथ लिखा था कि आपको किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको केवल उन्हें प्रेम करने की आवश्यकता है। विराट के खराब समय से बाहर आने के बाद इस तस्वीर के पोस्ट होने को बाबा की भक्ति से जोड़कर देखा गया था। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे बाबा ने अनुष्का की मनोकामना पूरी कर दी हो। इसके बाद विराट कोहली के बल्ले ने जो किया उसे पूरे विश्व ने देखा। ऑस्ट्रेलिया में हुए टी20 विश्व कप में जो विराट ने किया वो असाधारण था। भले ही भारत विश्व कप नहीं जीत पाया हो, लेकिन कोहली ने अपनी बल्लेबाजी से आलोचकों तक का दिल जीत लिया। विश्व कप खत्म होने के बाद कोहली दंपति नीम करौली बाबा के सामने शीश झुकाने पहुंचे। वहीं कैंची धाम से जाते हुए विराट कोहली के एक फैन ने जब उनसे कहा कि दोबारा आना, तो उन्होंने हंसकर अपना हाथ हिला दिया। इसमें कोई शक नहीं कि नीम करौली बाबा को केवल उत्तराखंड व भारत ही नहीं पूरे विश्व में माना जाता है। बड़े नामी लोग बाबा के भक्त हैं। नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम में बाबा के भक्त उनके दर्शन के लिए आते रहते हैं। अब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी बाबा का आशीर्वाद लिया है। बता दें कि अगला वर्ल्ड कप साल 2023 यानी अगले साल भारत में खेला जाना है। ऐसे में भारतीय फैंस को उम्मीद है कि विराट के बल्ले से जमकर रन बरसेंगे और भारत 2011 के बाद एक बार फिर वनडे चैंपियन बनेगा।